अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान। न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 की लेक्चर सीरीज की अगली वीडियो लेकर हाजिर हैं। हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला देखा था हमने, और हमने ये कहा था कि जितनी भी टेक्निक्स हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की देखेंगे वो इसी फार्मूले से डिराइव हो। तो आज हमारी पहली टेक्निक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की, दैट इज ट्रेपेजॉइडल रूल। हमारे पास जो भी गिवन टेबल होती है उसकी वैल्यूज को लेके हम ट्रेपेजॉइडल रूल कैसे अप्लाई करते हैं ये हम देखते हैं। हम इसमें पहला केस ये देख लेते हैं कि ये n इज इक्वल टू 1। लास्ट टाइम हमने जो फार्मूला डिराइव किया था वो n इज इक्वल टू n के लिए हमने डिराइव किया था कि n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर उसमें n इज इक्वल टू 1 कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में आप सब्स्टिट्यूट करें तो x नॉट से लेकर x नॉट प्लस nh था तो यहाँ पे h आ जाएगा, और इधर आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं 1 तक जाएगा। जब n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट जो आपके पास होगा फॉरवर्ड डिफरेंस वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे आगे डेफिनेटली आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो वहीं तक आएगा। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें वो आपको पता है y1 माइनस y0 होती है, तो वो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये चीज आ जाती है हाफ h by 2 y naught plus y1 आ जाता है। अब अगर आप इसी पैटर्न को n strips के लिए strip by strip पहले स्टेप साइज के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, so on हर स्टेप साइज के लिए आप कंटिन्यू करें, जब दूसरी स्ट्रिप के लिए आप जाएंगे तो वो डेफिनेटली जस्ट ये वैल्यू चेंज हो जाती होती जाएंगी y1 plus y2 अगले में y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आखिरी स्ट्रिप पे जब पहुंचेंगे तो yn माइनस 1 प्लस yn पे आप चले जाएं। तो ये स्ट्रिप बाय स्ट्रिप कैलकुलेशन है ट्रेपेजॉइडल रूल की। अब अगर आपने n स्ट्रिप्स के ऊपर इकट्ठा ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इन सारे जो इंटीग्रल आपने स्ट्रिप बाय स्ट्रिप फाइंड आउट किए हैं उन सबको ऐड कर दें। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा x नॉट से लेकर x नॉट प्लस n तक h by 2 सब में से कॉमन आ जाएगा। ये देखिए सब के साथ h by 2 है, इधर भी h by 2 है, इधर भी h by 2 है, इधर भी h by 2 है, तो ये h by 2 सब में से कॉमन आ जाएगा। अब हमने देखना है कि y नॉट और yn जब आपने ऐड अप किया तो ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो एक एक दफा आ रही है। अब बाकी टर्म को देखते हैं, जैसे पहले इंटीग्रल में भी y1 आ रहा है और दूसरे में भी y1 आ रहा है तो डेफिनेटली ये ऐड अप होकर 2 टाइम्स हो जाएगा। y2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये ऐड अप होकर 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास y नॉट और y n जो है ये एक एक दफा आएंगे, जबकि बाकी सारी वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स आएंगी, तो 2 कॉमन लेके ये आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल की फॉर्मलिज्म बन गई है फॉर n स्ट्रिप्स के लिए। तो आपके पास स्ट्रिप्स की वैल्यू जितनी होगी, आपके पास 3 स्ट्रिप्स होंगी तो आप 3 पे कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास 4 होंगी तो 4 पे, 10 होंगी 10 पे, 100 होंगी 100 पे आप कैलकुलेट कर सकते। तो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहीं पे ऐड कर दी है इसी उसमें। इंटीग्रल हमने न्यूमेरिकली सॉल्व करना है 0 से पाई बाय 2 sin x dx की वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 3। तो ये फार्मूला है, n इज इक्वल टू 3 तक जाएंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा, h बाय 2 y नॉट प्लस y3 और y नॉट और y3 के दरमियान बाकी जितनी वैल्यू वो इधर से ले लेंगे 2 टाइम्स y1 और y2 आ जाएंगे। y नॉट और y3 के दरमियान जो दो वैल्यूज हैं वो y1 और y2 है, तो बाकी ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये फार्मूला मैंने लिखा है, अगर आप देख सकें इसको, h by 2 y नॉट प्लस y3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2। तो यहां से
इनको मैंने तीन अलग अलग स्ट्रिप्स में लिखा था और उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो ये वैल्यूज मैंने टेबल बना दी है छोटी सी, जीरो पे क्या वैल्यू है, 30 पे, आप 30, 60 और 90 की बजाय पाई बाई 6, पाई बाई जो है वो 3 और पाई बाई 2 लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। जब आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो तो कोशिश करें कि अपना जो कैलकुलेटर है उसको रेडियन मोड पे रखें, क्योंकि ये रेडियन मोड में कैलकुलेशन हमने करनी है, डिग्री मोड में नहीं करनी, तो इसलिए पाई बाई 6, पाई बाई 3 और पाई बाई 2 जो है दैट इज सूटेबल, आप इधर 30, 60 या 90 ना लिखें। तो ये हमारे पास वैल्यूज आती हैं, ये वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास इस ट्रेपेज़ॉइडल रूल को यूज करते हुए n इज इक्वल टू 3 के लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू ये आ जाती है। तो हमारे पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं, नोट के तौर पे आप इसे बेशक लिख सकते हैं। ट्रेपेज़ॉइडल रूल हम उस वक्त यूज करते हैं और ये ज्यादा एफिशिएंट होता है जब हमें जो फंक्शन जिसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है वो लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, बाकियों पे भी अप्लाई तो हो जाता है लेकिन फिर एरर जो है, क्योंकि आप न्यूमेरिकली जब किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो उसमें एरर जरूर आता है, तो जो एरर होता है वो ज्यादा आता है। लीनियर फंक्शन जब होता है उसके ऊपर आप ट्रेपेज़ॉइडल रूल अप्लाई करें तो लीनियर जो एरर है वो कम से कम आता है। तो ये आप नोट में लिख सकते हैं कि जो सूटेबल फंक्शन है फॉर ट्रेपेज़ॉइडल रूल वो हमारे पास लीनियर फंक्शन है। तो इस पैटर्न पे इसकी फॉर्मलिज्म होती है और हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये एक एग्जांपल है। आगे चल के हम एक बड़ी एग्जांपल जिसमें n 10 या 12 तक होगा वो भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल ट्रेपेज़ॉइडल रूल के हवाले से इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम एग्जांपल और इसके एरर एस्टिमेशन की बनाएंगे और वो हम सीखेंगे कि वो कैसे फाइंड आउट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।